मध्य प्रदेश के खरगोन में पुलिस ने हथियार तस्करी के 4 आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। आरोपियों के पास से 5 देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। सभी आरोपी जबलपुर के निवासी हैं। हथियार तस्करी के लिए कुख्यात सिगनूर के एक आरोपी से पिस्टल खरीदकर ले जा रहे थे। जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर हथियार तस्करी के लिए कुख्यात सिगनूर से हथियार तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जबलपुर के 4 आरोपियों ने सिगनूर निवासी जयपाल से 5 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस खरीदे। जिरनिया पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने गौरव, अभिषेक और दिनेश निवासी जबलपुर का घेराव कर पकड़ा। सभी ने सिगनूर निवासी जयपाल से 5 पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस खरीदे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मामला यह था कि सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिले में अवैध हथियार के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में कल दिनांक मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 3 व्यक्ति अवैध देसी पिस्टल लेकर आ रहे हैं, जिन्हें श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्रीमान TI साहब द्वारा टीम गठित कर गैस गोडाउन के पास घेराबंदी कर पकड़ा और 3 व्यक्तियों को पकड़ा। नाम पता पूछते एक ने अपना नाम गौरव, दूसरे ने दिनेश और तीसरे ने अभिषेक बताया। उनके पास तलाशी लेते 5 देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले, जिन्हें गिरफ्तार किया, जिन्हें जब्त किया। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों से पूछताछ करते उन्होंने देसी पिस्टल व कारतूस सिगनूर के जयपाल सिंह से लेना बताया, जहां पर आज दिनांक को टीम द्वारा जयपाल सिंह को गिरफ्तार किया और माननीय न्यायालय पेश किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।